मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में आप सबको इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जो कि अभी के वक्त इंस्टाग्राम के रील्स पर कुछ इस टाइप का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उससे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आप कोई भी एक वीपीएन को कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने स्कोर वीपीएन को कनेक्ट करके रखा है, तो आपको प्ले स्टोर में आपको काफ़ी सारे आपको वीपीएन मिल जाएंगे, तो आप किसी एक वीपीएन को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लीजिएगा। देन गाइस, आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको अपना वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने जिस भी वीडियो से अपने रील्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गाइस अपने वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपका वीडियो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके साउंड को म्यूट कर लेते हैं। म्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस अपने वीडियो के एंड पार्ट पर आके इसके वाटरमार्क वीडियो को डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड ऑडियो का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको साउंड का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपने साउंड को ऐड कर सकते हैं। या फिर गाइस, आपके किसी वीडियो पर आपका साउंड है, तो गाइस आप एस्टेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आप एस्टेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस, मैं इस वीडियो पर आपको साउंड ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस आपको मैं इफेक्ट एनिमेशन ऐड करना सिखाऊं कि आप किस तरीके से उस तरीके का वीडियो को बना सकते हैं, जैसा गाइस अपने वीडियो के स्टार्टिंग पर देखा था। तो सबसे पहले गाइस, मैं अपने वीडियो को यहाँ पर कट लगा लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो को कुछ इतने लंबा रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर आते हैं एंड अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करके अपने वीडियो को कट लगाना है। कट लगाने के बाद हम इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइस, अब अपने साउंड के अकॉर्डिंग आपको जितना भी लंबा रखना अपने वीडियो को आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस, मैंने कट वगैरह लगा लिया। एंड उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर एक कट लगा लेता हूँ, कुछ इस जगह पर कट लगा लेता हूँ। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, अगर आपको अपने वीडियो पर स्लोमो ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्पीड का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको क्या करना, अगर आप इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाते गाइस, आपके वीडियो पर आपका स्लोमो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस, मैं स्लोमो ऐड नहीं करूँगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस, मेरे वीडियो पर पहले से स्लोमो है, तो मैं गाइस यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। एंड आपको राइट पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपने जो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग पर देखा था, जो गाइस हमारा ब्लर इफेक्ट था, वो गाइस आपको कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे पहले गाइस आपको बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको सेकंड पर एक इफेक्ट मिलता है, जो गाइस हेलो ब्लर है, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इफेक्ट लग चुका है। तो सबसे पहले गाइस, आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से गाइस, अपने स्पीड को आप यहाँ से अपने इफेक्ट के स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। एंड आपको राइट पर क्लिक करना है, और गाइस आपको यहाँ पर जितना भी रखना है अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस, मैं इसे कुछ इतना रख लेता हूँ, हो चुका है। और इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपने वीडियो पर एक लाइन इफेक्ट भी देखा था, तो उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको उसी जगह पर आना जहां से गाइस आपको अपना इफेक्ट को अप्लाई करना है। एंड आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है बॉडी इफेक्ट का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे वो इफेक्ट मिल जाता भी आप देख सकते हैं, जो गाइस इलेक्ट्रो नाम है, आप देख सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। एंड आपको राइट पर क्लिक करना है, देख सकते हैं गाइस हमारा कुछ इस टाइप से लग चुका है। और इसके बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, अब गाइस आपको अपने वीडियो पर एनिमेशन को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है एनिमेशन का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाता है, सो गाइस आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर काफी सारे आपको यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से गाइस आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे गाइस आपको यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से गाइस जैसा कि मैंने इसे ऐड किया, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमारा एनिमेशन है। यहाँ पर आपको काफी सारे गाइस आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। आपके यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद ही गाइस आपके यहाँ पर एनिमेशन ऐड होगा आपके वीडियो पर। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से गाइस हमारा एनिमेशन है, तो आप यहां से डाउनलोड करके ऐड वगैरह कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से गाइस हमारा लग चुका है, और गाइस आप इस लाइन से अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि एनिमेशन को किस तरीके से ऐड करना है, और गाइस इस तरीके का वीडियो को आप कैसे बना सकते हैं आपने इस वीडियो पर सीखा। तो अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड साथ ही गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए गाइस आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एरो का आइकन, आप उस एरो का आइकन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।